किल्लत और डेंगू बढ़े प्रकोप के चलते लापरवाही बरतने वाली नगर पालिका के खिलाफ कांग्रेसी शहर कमेटी की ओर से विरोध दर्ज कराते हुए एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजय दुबे के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी नेता जिला मुख्यालय पहुँचे। यहाँ इन सभी लोगों ने जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखा और जिलाधिकारी कार्यालय में दिया है। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि एक तरफ जहाँ किसान डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान है, वहीं नगरपालिका क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप पूरी तरीके से हावी है। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते डेंगू हर घर में अपने पैर पसारे हुए है। शहर में गंदगी का अंबार चारों ओर लगा हुआ है। नालियों की सफाई नहीं की जा रही है। जल भराव जगह जगह बने हुए हैं। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज वाली गली और इस मोहल्ले में बने तालाब में पानी का ठहराव लंबे समय से बना हुआ है। ऐसे ही नगर पालिका क्षेत्र के कई मोहल्ले हैं जिनमें पानी जमा है, जिसकी निकासी का कोई प्रबंध नगर पालिका की ओर से नहीं किया गया, जिसके चलते संक्रामक बीमारियां और डेंगू पूरी तरीके से पैर पसार रहे हैं। डेंगू से कई लोगों की जान चली गयी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। नगर पालिका की ओर से तक समय से नहीं कराई जाती, न मच्छरों को मारने के लिए कोई दवाई का छिड़काव कराया जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अजय दुबे ने जिला मुख्यालय पहुंचकर और क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। जिसे रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की नाकामी की बदौलत आज जनता जो है डेंगू से पीड़ित है। सभी को मालूम है कि बरसात से पहले अगर फॉगिंग करा दी जाए या एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव करा दिया जाए तो मच्छर जनित बीमारियां न हो, लेकिन इन सब की अनदेखी कर जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन ने जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। आज हर वार्ड में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। अभी जो नवगठित वार्ड हुए हैं उन वार्डों का माननीय पूर्व जिला हमारे अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ जी के नेतृत्व में हम लोगों में चार वार्डों का आज हम लोगों ने देखा है। चार वार्डों में बुरी तरीके से जल भराव है। अभी नगला रहते में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के ठीक सामने आप देख सकते हो कितना बड़ा एक पूरा पानी भरा हुआ है और उस बाढ़ में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं डेंगू के। ऐसे ही महमूद नगर के पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे, धारू में आप देखेंगे, नगला गोवर्धन में आप देखेंगे, फरकजीत नगर जो कि शहर में बहुत पुराना बाढ़ है उस मोहल्ले में भी अगर आप देखेंगे तो जल भराव है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, नगर पालिका प्रशासन की है। नगर पालिका प्रशासन आज मूक तर्कश बना हुआ है, वो बहुत बड़ी आज समस्या हमारे लिए खड़ी की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि गंदगी को साफ कराया जाए, बंद पड़ी नालियों को तत्काल खुलवाया जाए और एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव कराया जाए, शहर में फॉगिंग कराई जाए। ये हमारी एक मांग, स्कूल ज्ञापन भी दिया है हम लोगों ने, व्यक्तिगत भी अधिकारियों से मिलकर कहा है, लेकिन